राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी श्री सुखजिंदर रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के सभी मंत्रीगण, पीसीसी पदाधिकारीगण एवं लाखों की संख्या में आदिवासी किसान मौजूद रहे। सचिन पायलट जी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार साजिशन कार्यवाही करती है।
आप की ओर से प्रदेश शासक हमारे नेता राहुल गांधी जी का बालनी धरने और मानगढ़ की पहाड़ियों पर जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में
प्रदेश अध्यक्ष बगाचा साहब, हमारे चार धनावा जी, मंचा सिंह, सभी मंत्रीगण, सभी नेतागण, आज इस आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, आज पुनः लोकसभा के सदस्य स्थापित होने के बाद उनका पहला आज कार्यक्रम है राजस्थान के अंदर। मैं तहे दिलों से आप सब लोगों की तरफ से राहुल जी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हो आज पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी भाषण देकर आए हैं, अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है केंद्र सरकार के ऊपर। 9 साल से सत्ता में रहने के बावजूद हर मोर्चे पर केंद्र सरकार रही है, उनको आज कचहरे में खड़े करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, इसलिए यहां पर आने में देरी हुई। लेकिन राहुल जी ने संसद के अंदर जो सवाल पूछे, चाहे मणिपुर के सवाल पूछे हो, चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछे हो, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया, यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है। और इसका जवाब देने के लिए इस प्रकार के साजिशपूर्ण कार्रवाई जो बार बार सरकार करती है, इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, केरला से लेकर कश्मीर तक गए थे लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सुनने समझने के लिए, उनको आश्वासित करने के लिए। राहुल जी आपको याद होगा बांसवाड़ा जिले में आज से ठीक 5 साल पहले जुलाई के महीने में हमने एक आम सभा करी थी, प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार यहाँ पर थी, आप यहाँ पर आए, बाबर की धरती में आप लोगों ने हम सबने मिलकर लोगों को संबोधित किया, उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर आप यहाँ पर आए 10 महीने में, मेरे लाखों के तादाद में जो हमारे नौजवान साथियां मौजूद हैं, साथियों मेरे आदिवासी बहनों भाई, समय बदल रहा है, अपेक्षा बदल रही है, उम्मीदें बदल रही है। आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं, आज बदलाव आया है। और वो लोग वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है, जिनको इतिहास संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन छत कपट कर मन मुटाव कर द्वेष ईर्ष्या पैदा कर लोगों को आपस में झगड़वा कर वोट देने का काम करते हैं, उनके जाने का समय आ चुका। इस साल के अंत में चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना चारों स्टेट में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खास करके छत्तीसगढ़ के लोगों से, नौजवान भाइयों से बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हमारे दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों, ओबीसी भाइयों, छत्तीसगढ़ के लोगों को साधने का काम किया है, नीतियां बनाई है, योजना बनाई है, बजट किया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये लोग जो देश भर में प्रचार करते हैं, भाई को भाई चलाने का काम करते हैं, ये डबल इंजन की सरकार हम लोगों ने फेल कर दी हिमाचल प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल कर दी कर्नाटक में, अब समय आ गया इसका मेन इंजन फेल कर दो दिल्ली वाला 2024 के चुनाव में। विधायक राहुल जी मैं आपका स्वागत करता हूँ, और जो ऊर्जा और जिस उत्साह से सब लोग यहाँ पर घंटों से बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपको बोल सुनने के बाद सभी नौजवान भाई छत्तीसगढ़ के लोग, विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन घरों में जाएंगे, नए संकल्प के साथ जाएंगे, कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार के जो काम है, पार्टी की जो नीति नीति रही है, हमारा मैनिफेस्टो रहा, उस पर हम लोगों ने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस 11 सभा के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में बुलेगा और राजस्थान में अपने हमारे दोबारा मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।